ऐसा लग रहा है ना कि मेरे दिन की शुरुआत ऐसे हुई है, तो शायद थोड़ा सा सही। मेरा मानना है कि अगर बंदा पढ़ ले तो अच्छा है। वैसे भी 15 सितंबर के बाद स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, तो होप्स मेरा कॉलेज भी खुल ही जाएगा। बंद हुए थे कहीं मार्च में भी सितंबर में खुलने, तो मैंने कहा यार बंदा नए कपड़े ही ले ले। तो ये बात तो मुझे कन्फर्म थी कि कपड़े लेने मैंने हाशमी मार्केट से ही है, लेकिन मेरा एक रूल है, अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, कुछ लोगों को तो बेकार लगता है, मुझे सही लगता है, जैसे विंडो शॉपिंग करके कुछ कहा जाता है, मतलब कि करना कुछ नहीं होता, बस तुम्हें प्रिटेंड करना होता है कि तुमने सामान लेना है। विंडो शॉपिंग करने कौन तैयार होके जाता है, ना तुम्हें किसी ने वहाँ देखना है, ना तुमने वहाँ से कुछ लेना है। वैसे अगर तैयार होके भी चले तो देखेगा तुम्हें कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस्ड। विंडो शॉपिंग करते हुए हसबे मामूल एक बात बोली जाती है कि भाई जी ना आप इसको अपने पास रखें, हम अगली दुकान से होके आते हैं। अगली दुकान वाले को भी ये बोलेंगे, उसे बस ये चलता चलता बस ख़त्म। और मतलब कि जब खाली हाथ मॉल से वापस आ रहे होते हैं ना, उसकी तो फील ही अलग होती है। लाइक बाकी बाकी मॉल से निकलते हुए लोग कोई बाइक पे जा रहा होता है, कोई गाड़ी पे जा रहा होता है, लेकिन जो विंडो शॉपिंग वाले लोग भी आते हैं गाड़ियों में, जो मैंने आज तक देखे नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे विंडो शॉपिंग करने के लिए, वो साइकिलों पे वापस आते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने अपना बैग साफ करना, मैं आता हूँ। जब भी मैं ट्यूशन जाता हूँ तो मेरे बैग में पता नहीं कितने पेन है, जब भी मैं हाथ डालता हूँ ना पता नहीं क्या क्या रहा होता है, अभी देखना। भैया पेन कहाँ है? हेलो, ये मेरा वैसे असल बैग नहीं है, असल बैग कॉलेज में यूजलेस यूजलेस यूजलेस। पेन पेन था मेरे पास, ये काम का पेन है। और एक पॉइंटर से एक अच्छी बात होती है, इनको खाने में अलग अलग ही मज़ा आता है, लाइक ये पेन चबाया हुआ ऊपर से, बट जो पेन मैं इस्तेमाल करता हूँ और बहुत खुश नसीब पेन होते हैं जो इस तरह बच जाते हैं, उनका जिस तरह होता है। और ये पेन लेकिन इसकी ये इसका जो सर बच गया, ये अपनी खुशकिस्मती समझे, लेकिन इनको एजाज़ हासिल हुआ है कि इनको चबाया गया। मेरे हाथों नहीं, सभी ऐसा करते हैं। पानी कम इस्तेमाल करें, यहाँ पर बर्तन धोना सख्ती से मना है। ओ भाई कौन ही आगे बर्तन धोता होगा वॉशरूम में।